अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सज्जाद जानी और आप देख रहे हैं जनाब सज्जाद जानी ऑफिशियल। हालांकि मेरा चैनल जो म्यूज़िक का है वो ज़रा मतलब अभी नया नया है, उस पर सब्सक्राइबर्स भी कम हैं और वैसे भी अभी ज़रा ऑडियंस कम है, तो उधर अगर मैं उसका कहता तो ये बेचारे शायद 6 महीने लग जाते इनको प्रमोट होते, लेकिन मैं ऑफिशियल पे इसलिए फेंक रहा हूँ और एक ताकि ये मतलब जल्दी आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, ये अभी 2-3 दिन पहले इनकी मुझे लाहौर से इन्होंने रब्ता किया है, तो अपनी वीडियोस भेजी उन्होंने पियानो बजा के और गिटार और वोकल और प्लस 1-2 और भी इंस्ट्रूमेंट। तो इन्होंने तरला ही यहोजा पाया इन्हें कसमें, कहना कि मैं साढ़े शो छोड़ा, मैं क्या आया लॉकडाउन के बावजूद। मैंने कहा भाई आ जा, तो ये रात के मेरे पास आए हुए हैं। खिदमत तो नहीं मैं इनकी कर सका कोई इतनी, आप बोल सकते हैं भाई यहाँ पे जी। तो खिदमत तो नहीं इतनी कर सका, लेकिन ये जो खिदमत मैं कर सकता हूँ वो मैं इंशाल्लाह पूरी करूँगा। और मेरा मकसद सिर्फ ये है कि कहीं भी कोई भी ऐसा, क्योंकि म्यूज़िक जो है नाज़रीन इसका हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है कि आम बच्चा भी जाके जो है ना वहाँ पर तालीम हासिल कर सके। लाहौर में है अलहमरा, लेकिन वो सिर्फ लाहौर की हद तक है। फैसलाबाद या दूसरे दीगर जो शहर है, हर जगह किसी को भी ये जरासीम हो सकते हैं, तो वहाँ पे नहीं है। बाकी हर चीज़ है, लेकिन ये शौक़ अगर किसी को हो जाए तो वो बेचारा या तो अताई, जिस तरह अताई डॉक्टर होते हैं इस तरह अताई साधाओं के हथे चढ़ जाता है। कोई प्रॉपर उसे वे नहीं मिलता जो गारंटीड हो गए यार ये सब लोग अच्छे हैं। तो ये ख़ुद से मेहनत करते हैं, ये इस तरह के बच्चे जो हैं भाई हैं, ये ख़ुद से मेहनत करते हैं और सीखते हैं, और तो इनका हक है कि ये आप इन्हें प्रमोट करें और आप इनको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करें। और जो आपको लगे, जो भी कमेंट्स आपको लगे इनके बारे में वो आप मुझे बताएं, ये भी पढ़ेंगे, अपनी इसलाह भी करेंगे। तो सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम सनी है। सनी, आपका भाई? यासर यूनस। अच्छा, आप मतलब वैसे भी लाहौर में भी दोस्त हैं आपस में या अलग अलग आए हैं कहीं से? माइक में मोहल्ले में, यानी तो कब से शौक़ है ये दोनों को? आप गाते हैं, ये सिंगर है नाज़रीन, और ये सिंगर भी हैं और ये प्लस गिटारिस्ट भी हैं प्लस पियानोइस्ट भी हैं प्लस और भी काफ़ी प्लस हैं ये। ये आपके टीचर भी हैं? अच्छा ऐसा है कि अच्छा, ये सबसे पहले भी ये आपको कैसे ख्याल आया कि भी मुझे अप्रोच की जाए और पहुंचा जाए, और फिर आपने पहली बात में ही आपने कहा जी मैं आना चाहता हूँ लॉकडाउन में आ जाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जानी भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। म्यूज़िक में करना आगे निकलना तो एक बहाना था, मेन शायद मिलना एक ज़रूरी इसी तरह। अच्छा, तो जो एक इस तरह की ख्वाब साढ़ा जाग गया या अंदरों एक तलब, फिर सैकेंडली प्रमोट तुम बहुत अच्छे तरीके आर्ट न करते जे। मैं वो चेहरा देखा खूब बहुत आडे से जोड़ा कि एक आर्टिस्ट से नज़र आता है या दूजे बारे दर्द जो पेन जो तुम रखते हो। नहीं, तुम आए थे, लेकिन मेरा हम फर्ज बनता से ना कि मैं तुम्हें थोड़ा जहा प्रमोट मैं की करना प्रमोट, मतलब तुसी मैं तो आवाम को सुना सकता अगों। तुम्हारा कोई चैनल भी है यूट्यूब अपना? हाँ जी, मेरा चैनल सनी पियानिस्ट का नाम तो सनी पियानिस्ट। हाँ जी, उत्थे तुसी है पियानो वगैरह ये डिफरेंट वीडियोज़ वैसे तो मैं छुट्टियाँ ने, लेकिन इन्हों का चैनल सबसक्राइब करना सनी पियानिस्ट के नाम तो, वह लिंक भी मैं दे देंगा और तुम ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक शेयर सबसक्राइबर उन्होंने करना, ताकि साढ़ा कुछ तो कोई पैसे नहीं लगने, कुछ नहीं लगना, लेकिन इन्होंने असी प्रमोशन कर सकते हैं। देखो तुम कोई टिकट नहीं खर्चनी, तुम उत्थे मतलब म्यूजिक मिलेगा सुनन नू, देखन नू, पियानोइस्ट। और वैसे भी ये तुसी की करते जे जॉब की दस्या सी किथे? मैं बेसिकली यामाहा कंपनी दा एम्प्लॉय हां, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह सेल करी दिंदा टीच करी दा। अच्छा, वो दुकान च पए हुंदे ने काफी? हां जी, काफी प्रोडक्ट पंजाब जाके तो नहीं सीख लिया काफी? नहीं नहीं, मैं प्रॉपर सीखिया। मैं कहंदा उत्थे ही किसी गाहक नू कीबोर्ड चेक करन गया, देखो सर तमाम दोस्तों की नजर जरूर जरूर। थैंक यू। आंखें
जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें तुरुरु तुरुरु, ये हिरनी जैसी चाल। देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा, ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया। अभी तो यही था अभी खो गया, ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया। अभी तो यही था अभी खो गया। वो मस्त नजरों से अल्लाह अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह, वो मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजा मालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजा मालों से अल्लाह बचाए। हर बाला सर पे आ जाए लेकिन, हर बाला सर पे आ जाए लेकिन, उसन वालों से अल्लाह बचाए। वो मस्त नजरों से अल्लाह अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, जानी भाई की जुगतों से अल्लाह बचाए। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई जान। अच्छा ये गिटार सीखते हुए कितनी देर हो गई है? सर मैं प्ले कर रहा हूँ तो 4-5 साल कम से कम हो गए मुझे प्ले करते, लेकिन सीखने में इसकी जो आपके उस्ताद का नाम? मेरे उस्ताद साहब अदनान, अदनान भाई, अदनान हाँ जी, उनका लाहौर से हैं वो भी? लाहौर से हैं। अच्छा अच्छा, वो भी फोर्ट्रेस में होते हैं, हाइपर स्टार में। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो हम समझ लगे हमारी आमने सामने दुकानें हैं दोनों, यानी आपस चीज एक सुख ले कर दो। शाबाश शाबाश अदनान साहब, बहुत अच्छे। अच्छा जी, आप कुछ इनसे कुछ सोलो थोड़ा सा सुनवाएंगे? जी जी जरूर सुनाएंगे, क्योंकि आप ये डबल गाया है ना, तो मैं जरा चेक करना चाहता हूँ कल्ले कल्ले नु, क्योंकि जो दो बंदे गाते ना वो तो बहुत चीजें लुक जाती हैं। आप कुछ ऐसा कोई सोलो बेशक कोई नॉर्मल एक स्थाई बेशक सुना दे। जदों तक ए अखियां च पानी होए सजना, जदों तक ए अखियां च पानी होए सजना, मैं हंचुआ दी महफिल सजाऊंदा रवांगा, सजाऊंदा रवांगा। जदों तक वे अखियां च पानी होए सजना, बदले तू दे मैनू दुखड़े, मैं आशिक आए हो तकदीर मेरी, मैनू इस दुनिया दी परवानी कोई, मैनू इस दुनिया दी परवानी कोई, मैं नाज तेरे उठाउंदा रवांगा, जदों तक ये अखियां च पानी होए सजना, जदों तक ये अखियां च पानी होए सजना। वेरी गुड।
वाह वाह। अच्छा तुसी भी सिख रहे जे कि तो उस्ताद कोई की नाम उन्हों का? उस्ताद सनी खान साहब। अच्छा सनी खान साहब जी। गाना इन्हों को? हाँ जी। हारमोनियम ते भी? जी हाँ जी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। ये तुसी की बजाई जाते थे? हारमोनियम भी, गिटार भी? सात आठ इंस्ट्रूमेंट ने जो प्ले कर लेना वा। अच्छा जी। हाँ जी। किस तरह टाइम देने इन्हें इंस्ट्रूमेंट नू? बस सर छोटी जी जिंदगी छोटा जा देने ते टाइम किस तरह देंदे जी? बस देख लो मेहनत ही जॉब भी तुसी करदे? नहीं हो इस तरह ना कि मैं पहले एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ना चलिया कि 16-17 साल तो मैं म्यूजिक कर रहा मेरी। अच्छा प्लस ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਧਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਿਟਾਰ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਨੋ ਵੀ ਪਿਆ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਜੌਬ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ। ਯਾਨੀ ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਗਿਟਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਆਉਣ, ਹੈਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ। ਫਲੂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਫਲੂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗਾਹਕ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਕਿਤੇ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੇੜਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 뮤직 ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ? ਗਾਹਕੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਪਿਆਨੋ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਾਦਰੇਨ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਟਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਿਟਾਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਨੋ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਨੋ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਨੋ ਅੱਛੀ ਨੇ ਗਿਟਾਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਨੋ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਆਨੋ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। बेसिकली नादरे ने तुसी देख लिया ना कि बेसिकली पियानो ही ठीक है, इसलिए इन्होंने अपना यूट्यूब का नाम ही मेरा हाल तुसी इसे तो सनी पियानिस्ट रखा है। सही सही। अच्छा वैसे मैं अगर तुहानू कहां कि सर तुसी सारा टाइम पियानो नू दियो तो इदा हो सकता? बिल्कुल हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा वैसे छोटे तुहाडे उस्ताद ने लेकिन तुसी दोवें मेरे भाई जे छोटे, मेरे तो छोटे जे और तुहाडे तो खज्जल भी मैं ज़्यादा होया तो इस तो मैं सीनियर हाँ खज्जल पुणे च भी तुहाडे नालों ज़्यादा। तो लिहाजा मेरा तुहानू मशवरा यह है बरादराना कि जेडे मतलब पियानो जड़ा ना ये तकरीबन ताड़ा जड़ा ना तुसी एक रूट ते आ गए जे हुण तुहानू अगों मजीद इहदे च निखार मेहनत मजीद चीज़ा। तो मेरा मशवरा यह है कि तुसी जड़ा बाकी टाइम भी है ना इंस्ट्रूमेंट का वह तुहानू इन्ना क आ गया कि तुसी उहनू प्ले करो, लेकिन जड़ा एक सीखण वाला मरहला ना और टाइम देने वाला वह तुसी पियानो नू ज़्यादा दिओ।
मेरे हिसाब ना अगर तुहानू लगे कि मैं ठीक कह रहा क्योंकि तुहाडा फिर एक एज ए पियानोइस्ट सिलसिला जिहड़ा ना वो तुसी नाल नाल करदे रहोगे लेकिन मैं कहना जिथे तुसी इहनू 2 घंटे देने ना ते 2 घंटे बाकी इंस्ट्रूमेंट तुसी 4 घंटे इहनू दिओ ताकि इक्को इंस्ट्रूमेंट दे विच तुहाडा इक्को ही तुहाडा जिहड़ा ना वो एक इहदे च निखार आवे मजीद। सही कह रहे सर, इदा करोगे भी या बस सही? नहीं नहीं मैं बल्कि दसना चाहवांगा मेन मैं कीता ही ज़्यादा पियानो है तो मैं ताड़ी गल एग्री भी करना इस चीज़ तो मैं अमल दखल ऑलरेडी कर भी रहा तो मजीद करांगा तो बेसिकली इसलिए अपने यूट्यूब ते अपने अपने आप मैं एज ए पियानो पियानिस्ट ही प्रमोट करना चाहना या शो करवाईदा हर जगह तक कि पियानिस्ट क्योंकि मैं ज़्यादा करना भी पियानो ही है। अच्छा तुसी इस तरह करो ना तुसी जो चैनल है ना ये इंशाल्लाह मेरे बड़े मेरे प्यार वाले ने सारे और इन्हों का एक तुहानू वादा दसा शायद ही दुनिया के किसी को इस तरह की ऑडियंस हो कि मैं इन्हों कोई सिंगर पेश कर दें एप्रीशिएट करते हैं यानी कैटागरी कोई भी मैं पेश कर दें कॉमेडी करदा जुगत करदा बेसिकली ये ना टैलेंट देखते हैं। मैं मेरी खुशकिस्मती है कि जेडे मैनू मेरे ना लोग अटैच ने ना यूट्यूब से ये मेरे ना प्यार करते हैं मेरे काम ने कुछ कॉमेडियंस होंगे ने कि कुछ ऐसे आर्टिस्ट होंगे ने कि आर्टिस्ट के काम ना प्यार किया जाता वो जो कम उसको बेचारे को नहीं हों तो वह आर्टिस्ट मेरी ये खुशकिस्मती है कि लोग मेरे ना प्यार करते मैं चाहे मतलब कित थड़े पर बैठा वीडियो बना दें चाहे महल च बना दें चाहे पियानो वजा लोग मेरे ना प्यार करते हैं ये बड़ी वो खुशकिस्मती होंगी उन्होंने आर्टिस्टा की जेडे आर्टिस्ट लोग प्यार करते हैं वरना वो कम जो कम तो होर 6 महीने बाद उस तो अच्छा कर लग पे तो फिर उधर समझ रहे ना गल इस तो मैं मेरी गल मोड़ देनी है तुहाडा चैनल सबसक्राइब भी करेंगे लेकिन यह है कि तुसी इन्हां नूं कोई इंटरटेनमेंट हफ्ते च एक दो गाने तुहानू फरमाइशां भी आउणगियां कि जी यह गाणा सानूं वह तुसी फिर तैयार करना है क्योंकि ये वेलियां नहीं खाणियां कि चैनल सबसक्राइब हो गया तो हुण लोक सर उन्हां दी जिहड़ी डिमांड है उन्होंने कमेंट्स तुहानू अच्छे होण बुरे होण तुसीं अपनी उन्होंने इसलाही पहलू ना लैणा तो तुहानू कोई फरमाइश कर देन क्योंकि इन्हां नूं आदत आ मैनूं पता है बहुत फरमाइशां करदे ने तो ऐ सुनाओ तुसीं उह फिर तुहानू गाणा तैयार होवे ना होवे तुसीं उन्हां दी फरमाइश पूरी करनी है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही है वादा करना तुसी मैं। हाँ जी जी बिल्कुल मेरे ए लोग जो सबसक्राइबर नाराज शिकायत ना आए मैं। हाँ जी बिल्कुल इन्होंने तो बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल तुसी नाल रहे फरमाइश भी कर सकते लेकिन इन्नी भी नहीं करनी वो 24 घंटे तुहाडियां फरमाइशें पूरी करता रहे बेचारा। नाम किसी मैंने भूल गया यासर यूनस। यासर यूनस अच्छा यासर भी वाए तो यूनस वाए तो यासर यूनस वाए वाए अच्छा तुसी ना कोई सोलो उस्ताद होना की इजाजत ना कोई सोलो चीज़ सुनाओ कि क्योंकि मैं राती ना तुहाडे कोल एक चीज़ सुनी सी ते वो बाहर तुसी गा रहे सी ते बड़ा अच्छा तुहाडा रेंज भी बड़ा अच्छा सी ते वो मैनूं पता नहीं की सी वो तुसी गुनगुना रहे बाहर ते वो खैर वो कोई भी तुसी सोलो एक चीज़ सुना दिओ। गमां वाला चरखा ते दुखां दीआं पूणी एक सर मादर ए बहुत वड्डी गुस्ताखी हुंदी है गाना रोकना लेकिन मैं मजबूर बहुत हाँ मेरा एक भरा आया तो आ जाके लो जी नादरी ने एजाज मेरा भरा आया बड़े दिनों बाद बेवफा हो गया गाना यदा हिट हो गया यदा प्रोग्राम यह अज आया उस तो बाद भी दौराना ये कन्न खिंचने तुम्हें कि चक्कर लादा रहे यदा ही फायदा मेरा कोई फायदा नहीं मैं मेरा यह फायदा मैं सुनने अच्छा चीज़ मिल जाती कोई ना कोई ए दोवें तुम सर दोवे ने गाँवना मैं इस तो रोकया से गाँव उद माजरत क्योंकि ये ऐसी गुस्ताखी है बच्चे भी रोकना तो उसको भी सॉरी करनी चाहिए ये ऐसी चीज़ है तो सॉरी तो तुम खप नहीं पानी ओवरलैपिंग नहीं करनी ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਕਵਣੋ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਕਿ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਸਕ ਲਾ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲਓ ਜੀ ਨਾਦਰੀਨ ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿੱਕੇ ਨਿਕਲਣ ਮਿੱਠੇ ਨਿਕਲਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰਤੀ ਚਲੋ ਜੀ ਸਰ ਗਮਾਂ ਵਾਲਾ ਚਰਖਾ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਹਾਏ ਵੇ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋ ਕੱਤੀ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਪਈਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਗਮਾਂ ਵਾਲਾ ਚਰਖਾ ਹਾਏ
चरखा ते दुखा दिया पुनिया जूझ कती जावा ते होन पैया दूनिया ते कत सक दीना कत सक दीना कत सक दीना वललिए कुड़िये नी तेरी पूड़िया दी परी हुई चंगे उठ दिए मेरे दिल विचों उठ दिए हो माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी भूक माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आवदा मेरे दिल विचों उठ दिए हूक मेरे दिल विचों उठ दिए हूक माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक आ सजना रल कठिया बइए ते विछोड़िया नू अगलाइए आ सजना बइए ते विछोड़िया नू अगलाइए इबादत कर इबादत करन दे नाल गल बन दीए किसे दी अज बन दीए किसे दी कल बन दीए हो मक्के जा जहाज गुजारे मक्के जा जहाज गुजारे नाम रखा लिया हाजी पर अजे ते बुलिया कुछ नहीं ओ बनिया जे तू यार नी कीता राजी ओ कदिया मिल सांवल यार वे ओ कदिया मिल सावल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे ओ कदिया मिल सावल यार वे ओ मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा साव आस ना पास वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा साव आस ना पास वे मैं ते बैठी सब कुछ हार वे मैं ते बैठी सब कुछ हार वे ओ कदिया मिल सावल यार वे ओ कदिया मिल सावल यार वे